नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफलता के बावजूद पाकिस्तान को नहीं किया गया ब्लैकलिस्ट, FATF के ग्रे सूची में स्थान बरकरार। IMF द्वारा जारी रिपोर्ट में साल 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5% की ऐतिहासिक गिरावट का अनुमान, वैश्विक विकास दर 4.9% रहने का अनुमान। तो चलिए बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के शोधन कार्य समूह की बैठक में पाकिस्तान फिर से ब्लैकलिस्ट होने से बच गया, जबकि पाकिस्तान लगातार आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने में असफल रहा है। FATF प्लेनरी और वर्किंग ग्रुप्स की बैठक मूल रूप से बीजिंग चीन में आयोजित होने वाली थी, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। 27 सूत्री कार्रवाई को लागू करने में पाकिस्तान के प्रदर्शन की समीक्षा जून 2019 प्लेनरी मीटिंग के दौरान की गई। पाकिस्तान को 27 बिंदु एक्शन प्लान को लागू करने के लिए 1 वर्ष से अधिक का समय दिया गया, लेकिन पाकिस्तान 27 पॉइंट्स को लागू करने में विफल रहा। यह जानकारी अक्टूबर 2019 में FATF के पूर्ण बैठक के दौरान दिया गया। अक्टूबर 2019 की बैठक में पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक शेष 22 बिंदुओं को लागू करने के लिए विस्तार दिया गया था, लेकिन फरवरी 2020 तक पाकिस्तान 13 पॉइंट्स लागू करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप उसे जून 2020 तक विस्तार दे दिया गया था। आपको बताते चलें कि FATF धन शोधन पर एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना साल 1989 में किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस में है। साल 2001 में इसके कार्यक्षेत्र में आतंकी फंडिंग को भी शामिल किया गया। वर्तमान में इसके कुल 39 सदस्य देश हैं। पूर्ण सदस्यता पाने वाला 39वां देश सऊदी अरब है। सऊदी अरब को पूर्ण सदस्यता 21 जून 2019 को फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में समूह की वार्षिक बैठक में दी गई। FATF वर्तमान ब्लैकलिस्ट में ईरान और उत्तरी कोरिया को शामिल किया गया है। COVID-19 महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई शिथिलता के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा साल 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5% की ऐतिहासिक गिरावट का अनुमान लगाया गया। IMF द्वारा 2020 में वैश्विक विकास दर 4.9% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि अप्रैल 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक द्वारा जारी अनुमान से लगभग 1.9% कम है। रिपोर्ट के अनुसार चीन में पहली तिमाही में आई गिरावट के बाद से अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया जारी है। चीन में साल 2020 में विकास दर 1% रहने का अनुमान लगाया गया, वहीं 2021 में वैश्विक विकास दर 5.4% रहने का अनुमान है। IMF के अनुसार लंबे समय तक चली लॉकडाउन की स्थिति और धीमी आर्थिक गतिविधियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5% की गिरावट आ सकती है, जो साल 1961 के बाद से अब तक की सबसे निम्न विकास दर होगी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था फिर वापसी के साथ 6% का विकास दर हासिल कर लेगी। साल 2019 में भारत की वृद्धि दर 4.2% पर थी। IMF द्वारा भारत की वर्ष 2020 की स्थिति का यह अनुमान अप्रैल के अनुमान से बेहतर है, जिसमें यह अनुमान लगाया गया था कि साल 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.4% की गिरावट। वर्तमान स्थिति में 75% से अधिक देश अपनी अर्थव्यवस्था को एक साथ खोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई उभरते बाजारों में इस महामारी के तेजी से फैलने के कारण और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण रिकवरी में अनिश्चितता की स्थिति है। अगर संक्रमण के बढ़ने की दर और तेज होती है तो खर्च और बढ़ेगा, जिससे वित्तीय स्थिति और खराब हो सकती है। और अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होगा। हाल ही में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांस फिल्म महोत्सव 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया।
आपको बता दें कि इसमें समस्त भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय नज़रिए से भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट एवं विस्तृत झलक दिखाई जा रही है। भारत में फिल्मांकन, पटकथा विकास और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और भी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां और फिल्म बिक्री और समूहन को बढ़ावा दिया जाता है। साल 2020 में मराठी फिल्म माईघाट क्राइम नंबर 103/200 और गुजराती फिल्म हिल्लारो को देश की ओर से आधिकारिक फिल्म के रूप में भेजा गया। इसके अलावा सत्यजीत रे के शताब्दी वर्ष को रेखांकित करने के लिए गणशत्रु और आगंतुक फिल्मों को भी शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, पहली बार इस पवेलियन में दो फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। वर्तमान में 22 से 26 जून के बीच देश का पहला वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का आयोजन किया जा रहा है। यह देश की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी भी है। इस एक्सपो का आयोजन फिक्की ने किया, जबकि इसका उद्घाटन जहाजरानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। मशहूर भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को जून 2020 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया गया। उनको यह पुरस्कार वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने और अग्रणी कार्यों के लिए चुना गया है। साल 1950 से प्रारंभ होने वाले इस पुरस्कार के तहत 25,000 यूरो प्रदान किया जाता है। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉक्टर सेतु रमन पंचनाथन को अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के 16वें निदेशक के रूप में नियुक्ति को अमेरिकी सीनेट से मंजूरी मिल चुकी है। ये फ्रांस के कोर्डोबा का स्थान लेंगे। NSF यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन एक अमेरिकी संस्था है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी गैर चिकित्सकीय क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान और शिक्षा में सहायता करती है। हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंकवाद से जुड़ी वार्षिक कंट्री रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान उन देशों में है जिसमें आतंकवादियों को सुरक्षित शरण मिली है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को अपने क्षेत्र से संचालित करके भारत को निशाना बना रहा है। भारत चीन सीमा विवादों को लेकर समझौता और तालमेल के जरिए कार्यकारी तंत्र की 15वीं बैठक 24 जून को आयोजित की गई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद की स्थितियों पर विचार विमर्श किया गया है। बैठक में दोनों देशों के पक्ष में सीमा विवाद की मौजूदा स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत करने पर सहमत हुए हैं। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव विकसित किया है। इस चिप का उपयोग स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में मार्ग को खोजने के लिए किया जा सकता है। ध्रुव यह जानकारी नेविगेशन उपग्रहों के जरिए उपलब्ध कराएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।